नमस्कार, मैं शशि कुमार केसवानी द इन्फॉर्मेटिव ऑब्जर्वर के लिए सफल रिट्रीट पहुंचा हूं, जहां की निमरी रेस्टोरेंट में एक फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, दावत लखनऊ। और इसमें जो है वहां का जो स्ट्रीट फूड है वहां से शुरुआत की है ने, बाकी चीज़ें तो हैं ही हैं साथ में, लेकिन जो स्ट्रीट फूड है वो आराम से और कहीं नहीं मिलता। ये सारी बातें करने के लिए शेफ नरेंद्र है मेरे साथ। शेफ, क्या है ये बताएं। सर, लखनऊ लखनऊ के जो वहाँ की गलियों से और जहाँ ओल्ड नकाश वहाँ का चौक है, जहाँ से स्ट्रीट फूड्स हो, जो छोटी छोटी जैसे चाट है अपनी वहाँ की फेमस है, टुंडे कबाब हैं, रोल है, तो वहाँ की जो डिशेस हैं हमने यहाँ प्रेजेंट की हैं नवाबों से। लखनऊ से निकाल के लखनऊ का खाना भोपाल में ले आए हैं, तो आइए देखते हैं क्या क्या है इसमें खास। शेफ से समझते भी हैं कुछ चीज़ें। शेफ, क्या हैं ये बता दें आप। ये सर लाइव सोया चाप है, जो इसमें वैरायटी है, जैसे मलाई है, अचारी है, हरियाली है, तो जो वेजों के लिए नॉन वेज का बेस्ट ऑप्शन है ये। इसके अलावा क्या है लखनऊ का खास? जैसे ये छोटे इमामबाड़े की, वहाँ पे इमामबाड़े की चाट है, चाट फेमस है, जैसे कटोरी चाट है, कटोरी चाट है, उसका बड़ा है, पानी पूरी है और करेला चाट है, जो हमने चाटों की वैरायटी यहाँ पे प्रेजेंट की है। अच्छा, कटोरी चाट जो है उसका एक स्वाद तो अलग ही होता है वहाँ का, है ना। यहाँ इसमें कुछ ऐसा कुछ किया है, लखनऊ का टच दिया है? लखनऊ के यहाँ पे जो है चटनियाँ हैं, चटनियाँ और ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो हैं उसके मिक्सअप में, वही सेम जो लखनऊ में जो इमामबाड़े में चाट मिलती है, वही सेम कॉम्बो हमने यहाँ पे रखा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा ख़ास क्या है आप ये बताइए। ये मेरे को इधर कोई अलग दिख रहा है। अलग सर, ये सामी कबाब है। अच्छा, हमने ये शेफ वहाँ के जो लखनऊ के कबाब वगैरह जो फेमस हैं, शेफ मोहम्मद समीर शेफ हैं वहाँ के, और लोकल जो शेफ हैं 3-4 शेफ हमने यहाँ पे बुलाए हुए हैं बनाने के लिए। लखनऊ से भी शेफ आए हुए हैं, तो इनके हाथों का कमाल तो ज़रूर कुछ होगा। ये क्या है? ये टुंडे कबाब है सर। टुंडे कबाब है? टुंडे कबाब सर। तो टुंडे कबाब तो एक अलग पैटर्न से बनाते हैं, आप कैसे बना रहे हैं ये? ये टुंडे कबाब गलावट है। अच्छा। हाँ, जो टुंडे था उसका हाथ कटा हुआ था, इसलिए टुंडे नाम रखा गया है। अच्छा। जी, आपने स्पेशल इसमें कुछ किया है क्या? जी, लखनऊ मसाले स्पेशल हैं सर। मसाले लखनऊ से आए हैं, इसलिए ये फिश है, तवा फिश है, तवा फिश का एक स्वाद अपना अलग रहता है। ये सब चीज़ें क्या है कि सड़क पे खड़े होके तो खा ही सकते हैं, साथ ही साथ में आप ये रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के खा सकते हैं। आप देखेंगे इनके रेस्टोरेंट को भी थोड़ा सा उन्हें डेकोरेट अलग तरह से किया हुआ है, जिस तरह से इनने किया है तो उससे एक माहौल अलग बनता है पूरा। तो शेफ आके थोड़ा सा बता दें आपने स्पेशल और क्या डिशेज रखी हैं, तो उसकी जानकारी दे दें। सर, हमने सैलड्स रखे हैं, वेज और नॉन वेज के सैलड्स हैं, जो इंडियन रिलेटेड हैं, जैसे चिकन का है, मटन का है, फिश का है, उसके बाद रायता है, जो बिरयानी के साथ बुरानी रायता सर वो होता है, पालक रायता है, दही वड़ा है, कुछ पिकल्स भी हैं, उसके बाद होममेड चटनियाँ हैं, आम की चटनी है, लहसुन चटनी है एंड पाइनएप्पल चटनी है। होममेड मतलब क्या, आप घर से बना के लाए? नहीं सर, घर से मतलब घर का जो टेस्ट हमने इस होटल में दिया हुआ है। अच्छा, ये घर का टेस्ट इनने होटल में दिया हुआ है। लोग घर का टेस्ट कई बार छोड़ के होटल जाते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि घर का टेस्ट दिया है। ये पनीर शाही है। अच्छा। जो दमपुक फ्लेवर में, बैंगन मिर्च का सालन है एंड हींग धनिया के आलू है, नदरू यकनी है जो कमल ककड़ी जी, गोभी मुसल्लम है, उसके बाद सुल्तानी दाल है जी जी, एंड दाल तड़का है जो लखनवी उसमें टेक्सचर में, ये ब्रेड दिया, सीरमाल है, सीरमाल थोड़े से अलग दिख रहे हैं आप। हाँ सर, ये सर जो वहाँ के शेफ आए हैं उन्होंने ड्राई फ्रूट वगैरह उन्होंने मिक्सर करके वो बनाए हैं। ये तो ड्राई फ्रूट आदमी खाना होगा अलग से खा लेगा, लेकिन शीरमाल के साथ कैसे खाएगा? शीरमाल के साथ सर थोड़ा सा स्वीट्स पन और ड्राई फ्रूट का उनका मिक्सर रहता है, वो उन्होंने ही मिठास के लिए किया हुआ है। ये नूरमैली पुलाव है एंड लखनवी सब्ज दम बिरयानी, कच्चे गोश्त की दम बिरयानी है
अच्छा। जो मटन में कच्चे गोट्स को मैरिनेट करके वो वहाँ के स्पाइसेस से बनाई हुई है। अच्छा, खास बात ये है कि स्पाइस पूरे वहीं से आए हुए हैं, मसाले पूरे वहीं से आए हुए हैं। ये क्या है? ये मुर्ग नूर मैली कोरमा है, जो नूर रानी थी क्यून, तो वहाँ के उनके खानसामा थे जो उनको ये सर्व किया करते थे, तो वही रेसिपी हमने भोपाल नवाबों के शहरों में ये रिप्रेजेंट की है। इसमें ये अब्दी गोश्त कोरमा है, यहाँ लखनवी जो कुजिन है जो अब्दी और पारसी कुजिन से रिलेटेड है, तो हमने दोनों का मिक्सर किया है। एक नवाबों के शहर से निकल के बेगमों के शहर में खाना आना अपने आप में एक अलग उपलब्धि है। नवाब से लेके बेगम तक सब मीठे के बड़े शौकीन रहे, तो क्या क्या है मीठे में? मीठे में ये अंडे का हलवा है, अंडे का हलवा बनाया, एक नॉन वेज हलवा बनाया हमने, बाकी वेज हलवा है जैसे अंजीर बादाम का हलवा है, शाही टुकड़ा है, गलौटी है, एंड मैंगो कलाकंद है, फिर काजू पान है, ये पान का थोड़ा फ्लेवर दिया हुआ है, बालूशाही है, गुलाब की खीर है, मिल्क केक है, संतरा की रबड़ी है जो हमने ओरिजिनल संतरा हमें दी हुई है, और ये फ्रेश कट फ्रूट्स हैं। ये सारे व्यंजन एक ही जगह आपको मिल जाएंगे सफल रिसोर्ट में, पर ये आपने शामी का रखा है ना? हाँ, शामी, शामी कबाब। ये फेस्टिवल जो है आपका फूड फेस्टिवल शाम के टाइम ही रहता है, सुबह भी रहता है? 7:30 से 2:11 o'clock तक है, इवनिंग में ओनली, डिनर टाइम में। सर कौन सी तारीख तक है? सर अपना ये 15 तारीख से 19 तारीख तक है, 15 से 19 मई तक आपको ये खाना सब आपके लिए उपलब्ध रहेगा। मैंने तो इनका सबका स्वाद ले चुका हूँ, अब आपकी बारी है। मैं शशि कुमार केसवानी द इन्फॉर्मेटिव ऑब्जर्वर के लिए।